हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल कुमाऊँ ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एडिटिंग बीर हनुमान जी के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, और वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद अब आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अब आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो दे रखा हूँ, आपको उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को एडिट करने के बाद अब आपको फोटो में आना है। तो दोस्तों, आपको फोटो दे रखा हूँ, आपको उन फोटो को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एड, दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अब दोस्तों आपको वीडियो के एंड में आना है, और आपको इसको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों, डिलीट करने के बाद अब आपको इन फोटो को ठीक से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सभी फोटो को ठीक से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑडियो को एड करना है। तो आपको ऑडियो के लेयर पर क्लिक करना है, और आपको अपने फोल्डर में आ जाना है। तो दोस्तों, आपको एक ऑडियो की लिंक दे रखा हूँ, आपको उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब दोस्तों आपको इन फोटो के लेयर को 6 सेकंड पे लेके आ जाना है। तो दोस्तों, ये भी मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने सभी फोटो के लेयर को कम कर लिया। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इन फोटो में एनिमेशन को ऐड करना है, या आपको इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए अब आपको फोटो पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एनिमेशन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद अब आपको कॉम्बो पे आना है, और आपको कॉम्बो पे आने के बाद अब आपको वेव इफेक्ट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको इस इफेक्ट को सभी फोटो में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने सभी फोटो में इस इफेक्ट को ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको नीचे की तरफ आना है, और आपको इस इफेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको इस इफेक्ट की लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है। ओके दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों आप देख सकते हो कुछ हमारी वीडियो इस प्रकार से एडिट हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।